नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 7 प्रकार के ऐसे लोन जो किसान बैंकों से ले सकते हैं और इस लोन की रकम के जरिए किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। चाहे वो खेती का विस्तार करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं या फिर नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं। किसानों को बैंक से 1,60,000 रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। देश के सभी सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या दूसरे बैंक हो, सभी बैंकों से ये लोन मिल जाएगा और सभी प्रकार के प्राइवेट बैंक हैं उनसे किसान एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर लोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है। अगर छोटी रकम का बैंक लोन लेते हैं तो आपको कई राज्यों में 0% यानी कि बिना ब्याज लोन मिल जाएगा और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर किसानों को सिर्फ 3-4% ब्याज दर पर ये लोन मिल जाता है। अगर किसान बड़ी रकम लेना चाहते हैं, ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं तो उनको लगभग 7% की ब्याज दर पर ये लोन मिल जाता है। दूसरे लोन के मुकाबले एग्रीकल्चर लोन है वो लेना बहुत आसान है और इसकी ब्याज दर बहुत कम है और इसको भरना भी आसान है। तो किसान चाहे तो अपनी जरूरतों के लिए एग्रीकल्चर लोन ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो 7 लोन हैं जिनके जरिए किसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो देखने के बाद आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। किसानों को सबसे ज्यादा जो लोन दिया जाता है और जो किसान लेते हैं उस लोन का नाम है क्रॉप लोन यानी कि फसली ऋण। ये लोन ऐसा होता है जो किसान अपनी फसल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे वक्त के लिए तो है यानी कि शॉर्ट पीरियड का लोन होता है, कम अवधि का ये लोन होता है। जो किसान कपास उगाते हैं, चावल उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, सरसों उगाते हैं यानी कि कम अवधि वाली फसलें उगाते हैं, उन फसलों के लिए बीज, खाद और दूसरी ज़रूरतों के लिए जो पैसा उनको चाहिए होता है उसकी पूर्ति करने के लिए किसान ये लोन लेते हैं और ये लोन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलता है। और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को 1,60,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है और छोटे और मझोले किसानों को 1,60,000 रुपये का लोन मिलता है। और 1,60,000 रुपये का लोन लेने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को किसी भी तरह का कोलेट्रल नहीं देना होता यानी कि उनको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। और जो 3 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं या इससे ज़्यादा लोन लेते हैं उन किसानों को अपनी ज़मीन के कागजात हैं वो बैंक को देने होते हैं। आप अपने राज्य में जो किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें लागू हैं उसके हिसाब से लोन ले सकते हैं और ये बड़ी आसानी से लोन ये मिल जाता है। और दोस्तों, लोन लेने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनानी होती है, कौन से दस्तावेज देने होते हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो के सबसे आखिर में, क्योंकि जो सभी प्रकार के 7 प्रकार के लोन किसानों को बैंक से मिलते हैं सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो ये पहला टाइप था जो किसानों को मिलता है, क्रॉप लोन यानी कि फसली ऋण। और जो दूसरा लोन है किसानों को मिलता है वो होता है एग्रीकल्चर टर्म लोन। ये लोन है ये लंबी अवधि का लोन है यानी कि इसका टेन्योर है, वक्त है वो ज्यादा होता है। टर्म लोन है वो किसानों को 4 साल की अवधि के लिए मिलता है। 4 साल में किसानों को ये लोन भरना पड़ता है यानी कि इसको रीपे करना होता है। जो किसान अपने खेत में बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसे कि अगर किसान अपने खेत में सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, जो किसान अपने खेत में विंड मिल लगाना चाहते हैं यानी कि पवन चक्की लगाना चाहते हैं या पॉली हाउस लगाना चाहते हैं या हाइड्रोपोनिक्स की कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो किसानों को आर्थिक तौर पर फायदा दे और उनको ज्यादा कमाई हो, ऐसा प्रोजेक्ट अगर कोई किसान लगाना चाहते हैं तो वो टर्म लोन ले सकते हैं। टर्म लोन एक तरह से कॉरपोरेट फार्मिंग लोन है। जो बड़े किसान हैं, जो बड़ा प्रोजेक्ट इसमें लगाना चाहते हैं उनको ये लोन मिलता है। तो इस लोन की जो लिमिट है वो 2 करोड़ रुपए तक की है, यानी कि जो किसान अपने खेत में नया प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं, जो किसान बड़े प्रोजेक्ट के जरिए अच्छी कमाई करना चाहते हैं वो किसान एग्रीकल्चर टर्म लोन ले सकते हैं, उनको 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा लोन है वो है सोलर पंप सेट लोन, यानी कि ये लोन ऐसा लोन है जो किसान अपने खेत में सोलर पंप सेट लगाना चाहते हैं या सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं या सौर ऊर्जा के जरिए अपने खेत में पानी की जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, पंप सेट लगाना चाहते हैं, ऐसे किसानों को ये लोन मिलता है और कुसुम योजना के तहत ये लोन किसानों को मिल सकता है और इस लोन में सब्सिडी भी लगभग 90% तक मिल जाती है। तो किसानों के लिए सोलर पंप सेट लोन है ये बहुत ही अच्छा विकल्प है, जो किसान इसको अपनाएंगे उनको बहुत ही फायदा होगा। और इस लोन का एक और फायदा है कि ये लोन किसानों को 10 साल के लिए मिलता है, यानी कि 10 साल में किसानों को ये लोन
चुकाना होता है। तो जो किसान अपने खेत में सोलर पंप सेट लगाना चाहते हैं वो लोन ले सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों चौथा लोन है वो है लोन फॉर अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि खेती के साथ सहायक गतिविधियों के लिए ये लोन मिलता है किसानों को। जो किसान अपनी खेती के साथ साथ डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, पोल्ट्री हाउस लगाना चाहते हैं, जो पोल्ट्री फार्म शुरू करना चाहते हैं, या फिर बकरी पालन करना चाहते हैं, या फिर घोड़ा पालन करना चाहते हैं यानी कि हॉर्स रेयरिंग करना चाहते हैं, या फिर फिश फार्मिंग करना चाहते हैं, कोई ऐसी गतिविधि जो किसान खेती के साथ करना चाहते हैं जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो, उन किसानों को ये लोन मिलता है। अगर किसान का प्रोजेक्ट छोटा है, उसकी कम लागत का प्रोजेक्ट है, तो किसान मुद्रा लोन के जरिए भी इसकी अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है। मुद्रा लोन के जरिए भी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है उनके लिए लोन मिलता है 1,00,000 रुपये तक का। अगर किसान का प्रोजेक्ट बड़ा है, अगर वो बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, जैसे कि बड़ा डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, या बड़ा पोल्ट्री हाउस लगाना चाहते हैं, या फिर बड़े स्तर पर हॉर्स फार्मिंग का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं या उसका फार्म शुरू करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो बैंक से ये लोन ले सकते हैं। इसके लिए उनको 50,00,000 रुपये से लेकर 2,00,000,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। और दोस्तों पांचवा लोन है वो है फार्म मैकेनाइजेशन लोन, यानी कि खेती का मशीनीकरण करने के लिए लोन। ये लोन उन किसानों को मिलता है जो किसान अपनी खेती में नई मशीनरी लाना चाहते हैं, नया अपडेशन करना चाहते हैं, जैसे कि किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, कंबाइन खरीदना चाहते हैं, या कोई हार्वेस्टर खरीदना चाहते हैं, या कोई कृषि उपकरण खरीदना चाहते हैं जिससे उनकी खेती बेहतर हो, उनकी खेती में आमदनी है वो बढ़े, उनकी लागत घटे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, इसके लिए किसानों को ये लोन मिलता है। और ये लोन किसानों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक, यानी कि जिस किसान का जितना प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से लोन मिलता है। अगर कोई किसान 10,00,000 का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उनको 10,00,000 का लोन मिलेगा। अगर कोई किसान 4,00,000 का ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उनको 4,00,000 का लोन मिल सकता है। अगर कोई किसान 20,00,000 की कंबाइन खरीदना चाहते हैं तो उनको 20,00,000 का लोन मिलेगा। यानी कि इस लोन में जो लोन की लिमिट है वो आपके प्रोजेक्ट और मशीनरी की कीमत पर निर्भर करती है। और दोस्तों छठा लोन है वो है फॉरेस्ट्री लोन। ये एक ऐसा लोन है वो उन किसानों को मिलता है जो अपने खेत में फॉरेस्ट्री ट्री यानी कि वन के पेड़ या पौधे लगाना चाहते हैं, उनको ये लोन मिलता है। जो किसान अपने खेत में सागौन के पेड़ लगाना चाहते हैं, यानी कि आज आप पेड़ लगाना चाहते हैं लेकिन उनसे जो आपकी कमाई है, आमदनी है, वो 10 या 15 या 20 साल बाद होगी, ऐसे पेड़ों को फॉरेस्ट्री ट्री कहते हैं। और इन पौधों को देखभाल करने के लिए, इन पौधों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो बैंक किसानों को लोन के रूप में देता है। यानी कि जो किसान सागौन की खेती करना चाहते हैं, महोगनी की खेती करना चाहते हैं, सफ़ेदे की खेती करना चाहते हैं, या फिर चंदन की खेती करना चाहते हैं, जो आज शुरू करेंगे लेकिन उनसे रिटर्न है वो 10 या 12 या 15 साल बाद मिलेगा, ऐसी खेती के लिए किसानों को फॉरेस्ट्री लोन मिलता है। और इस लोन की लिमिट है वो भी किसानों के प्रोजेक्ट और उनके जो खेत का आकार है, कितना वो बड़े साइज में या कितने बड़े क्षेत्र में प्लांट लगाना चाहते हैं, उसके आधार पर उनको लोन दिया जाता है। और दोस्तों सातवां लोन है वो है हॉर्टिकल्चर लोन, यानी कि बागवानी की खेती के लिए मिलने वाला लोन। जो किसान बागवानी शुरू करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, ऐसे किसान हॉर्टिकल्चर लोन ले सकते हैं। यानी कि पौधे खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए वो बैंक से लोन के रूप में मिल जाएगा। पौधों की देखभाल करने के लिए, वहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए और पौधों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए, ट्यूबवेल लगाने या दूसरे किसी भी प्रकार की ज़रूरत के लिए जो आवश्यकता होती है पैसे की, उस पैसे की पूर्ति करने के लिए बैंक लोन देता है हॉर्टिकल्चर लोन के रूप में। तो किसान इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस लोन की लिमिट भी जो किसान का क्षेत्र है, यानी कि कितने बड़े क्षेत्र में किसान बागवानी शुरू करना चाहते हैं, उसकी लागत कितनी है, उसके आधार पर बैंक किसानों को लोन की रकम देता है यानी कि तय करता है। तो दोस्तों ये वो 7 लोन हैं जिनका फ़ायदा किसान उठा सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि किसान ये लोन लें कैसे, यानी कि लोन उनको मिलेगा कैसे, तो इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपने नज़दीक के बैंक में जाएं और वहाँ बैंक जो प्रबंधन है, बैंक मैनेजर है और दूसरे लोग हैं, उनसे बात करें और अपनी आवश्यकता बताएं कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं और क्यों आपको ये लोन चाहिए। उसके बाद बैंक के लोग हैं वो आपको बैंक लोन कैसे मिलेगा इसकी पूरी प्रक्रिया बता देंगे। उसके लिए आवेदन फॉर्म आपको मिल जाएगा, आवेदन फॉर्म आप भरकर वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका। और इसका दूसरा तरीका यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, SBI से लोन लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले SBI की वेबसाइट पर जाएं, SBI.in जो वेबसाइट है उस पर जाएं और वहां पर एग्रीकल्चर लोन के लिए जो ऑप्शन है उसको आप चूज करिए और वहां पर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर
दीजिए। और जब आप आवेदन फॉर्म भर देंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद बैंक आपसे संपर्क करेगा और आपकी लोन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसी तरह से जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाएं और आप वहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि किन को ये लोन मिल सकता है? दोस्तों, लोन उन किसानों को मिल सकता है जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल हो। 18 साल से लेकर 70 साल की उम्र का कोई भी किसान बैंक से लोन ले सकता है, जो खेती करते हैं, जिनके पास खेती की ज़मीन है। और बहुत सारे जो लोन ऐसे हैं जो बटाईदार किसान हैं या जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो लीज पर जमीन ले रखी है, उनको भी ये लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, ये लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले किसान को अपनी पहचान के लिए दस्तावेज चाहिए, यानी कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, उसका राशन कार्ड, यानी कि ऐसे दस्तावेज जो किसान की पहचान को पुख्ता करते हों और बताते हों कि किसान इस राज्य का, इस जिले का, इस गांव का या इस कस्बे का रहने वाला है या निवासी है। और दूसरा जो उनको दस्तावेज चाहिए वो होगा जमीन के कागजात, यानी कि जो किसान बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेना चाहते हैं, 1,60,000 रुपए से ज्यादा का लोन लेना चाहते हैं, ऐसे किसानों को अपनी जमीन के दस्तावेज देने होंगे, यानी कि जमाबंदी, खसरा, खतौनी, अलग अलग राज्यों में जिस भी नाम से जो जमीन के दस्तावेज के नाम है वो उनको देने होते हैं, यानी कि जमीन के कागजात हैं उनकी आवश्यकता होगी, उनको बैंक को दिखाने होंगे, वहां पर जमा करवाने होंगे। और एक आवेदन फॉर्म चाहिए जो आप भरकर वहां पर जमा करवाएंगे। ये जो मुख्य दस्तावेज है वो किसानों को देने होंगे, यानी कि उनका पहचान का आईडी यानी कि केवाईसी आईडी, जमीन के कागजात, एक आवेदन फॉर्म और एक सिक्योरिटी के लिए जो गारंटर होता है, जो पहचान पुख्ता करते हैं उनके लिए एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति, जो बैंक की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है उसके हिसाब से आपको एक या दो गारंटर की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसके अलावा जो अलग अलग बैंकों के कुछ और दस्तावेज वो डिमांड हो सकती है वो आपको वहां पर देने होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर किसानों को ज्यादा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम दस्तावेजों पर बहुत ही अच्छे से किसानों का लोन मिल जाता है। दोस्तों, एग्रीकल्चर लोन है, इसका फायदा क्या है, ये किसानों को क्यों लेना चाहिए? दोस्तों, एग्रीकल्चर लोन है, इसका सबसे पहला फायदा यह है कि इसमें ब्याज बहुत कम लगता है, और दूसरा फायदा यह है कि बहुत ही जल्दी और आसानी से मिल जाता है, और तीसरा फायदा है कि इसमें जो किसानों को रीपेमेंट करने का यानी कि लोन चुकाने का जो टेन्योर है, अवधि है, वो ज़्यादा होती है, वो वक्त ज़्यादा मिलता है, इसलिए किसान बड़ी आराम से इसको चुका सकते हैं। क्योंकि फ्रीडम ऐप पर लोन से जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको लोन लेना सिखाएंगे सफल तरीके से। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि वीडियो देखने के बाद आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। उसका कारण यह है कि जब आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको लोन लेने के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं वो देखने का मौका मिलेगा, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड का कोर्स हो, मुद्रा लोन का कोर्स हो, पर्सनल लोन का कोर्स हो, कार लोन का कोर्स हो, होम लोन का कोर्स हो, तमाम तरह के लोन हैं, उनके कोर्सेज हैं, उन कोर्स को देखकर आप सफल तरीके से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करिए हमारे दूसरे किसान साथियों के साथ, ताकि वो भी ये 7 प्रकार के लोन हैं उनके बारे में जान सकें, उनका फ़ायदा उठा सकें और अपनी खेती को बेहतर कर सकें। फ्रीडम ऐप आपको डाउनलोड करना ही है, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी, नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।